Hello student, today we will do some more questions of the linear differential equation. So let us start. देखिए यहाँ पे मेरे पास x divided by dx minus y equal to 2x square cos x 2x given है. ये एक linear differential equation का ही type है, लेकिन अगर हम इसे इसको compare करें तो यहाँ पर dy by dx plus py equal to q, ये format हमने देखा था. लेकिन अगर हम इसको इससे compare करें तो देखिए यहाँ पे dy by dx के साथ कोई option नहीं है, जबकि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें डिवाइड बाय डीएक्स के साथ हमें एक्स दिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि हमें इस एक्स को हटाना होगा, अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा. तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना जरूरी है. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय डीएक्स लिखेंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को हम लोग एक्स से, इस एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे हमें मिलेगा डिवाइड बाय डीएक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 2x cosec x so cosec x 2x. अब इसको अगर हम लोग कंपेयर करें तो p इक्वल टू जाएगा माइनस का 1 बाय x एंड q हो जाएगा 2x cosec 2x. इसके बाद हमें निकालना था if, ये हो जाएगा e टू द पावर p dx if, यहाँ आ जाएगा e टू द पावर p की जगह आ जाएगा माइनस का 1 बाय एक्स डी एक्स, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहां मिलेगा आई एफ इक्वल टू e टू द पावर माइनस लॉग एक्स. अब माइनस का साइन, अगर e और लॉग के बीच में माइनस का साइन है तो हम इसको डायरेक्ट हटा नहीं सकते, हमें इस माइनस के साइन को पहले सॉल्व करना होगा. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई एफ इक्वल टू e टू द पावर लॉग x टू द पावर माइनस वन. अब e की पावर में जो लॉग है उसको हटाकर हम लोग आई एफ इक्वल टू लिख सकते हैं डायरेक्टली x टू द पावर माइनस वन, दैट इज वन अपॉन x. अब y के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ का, यहां हो जाएगा वन अपॉन x इक्वल टू वन अपॉन x इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई, अब आएगा टू एक्स कॉसेक एक्स टू एक्स कॉसेक टू एक्स. अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो cosec x 2x का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे x x तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y upon x equal to 2 as a constant cosec 2x. अब cosec 2x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है log की टर्म में. cosec x का अगर इंटीग्रेशन हम लोग करना चाहें तो होता है log of cosec x minus cot x. तो इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां आएगा वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टू टाइम्स लॉग ऑफ कॉसेक टू एक्स माइनस कॉट टू एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा टू आ जाएगा प्लस सी. तो ये जो अपॉन वाला टू है ये इससे कैंसिल कर देते हैं और ये जो एक्स है ये ऊपर चला जाएगा. तो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा, वो मिलेगा वाई इक्वल टू एक्स लॉग cosec 2x minus cot 2x plus cx. यहाँ पे ब्रैकेट है तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा. इसका एक और फॉर्मूला होता है, हो सकता है ये आंसर मैच ना करे तो आप उसका दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है. अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है वो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब थोड़ा सा फैला हुआ है. हम लोग श्योरिटी के साथ यहाँ पे नहीं कह सकते कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है या ये उसका जो हमने पढ़ा था बाद में होमोजीनियस इक्वेशन है. तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इस इक्वेशन में हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले डीएक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं. तो डीएक्स से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे वाई माइनस एक्स डिवाइड बाय डीएक्स प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जीरो. अब इन दोनों को हम लोग उधर ले जाते हैं तो ये जाएगा डीवाई बाय डी एक्स, यहां आ जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स. मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हम लोग जो अभी मेथड कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली उसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स से डिवाइड कर दिया हमने सबको, यहां आ जाएगा डीवाई बाय डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन एक्स. पी इक्वल टू हो जाएगा मेरे लिए यहां पे वन अपॉन एक्स माइनस का, और क्यू हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स.
इसके बाद अब हम लोग निकालेंगे वह आई एफ। तो आई एफ अगर निकालेंगे तो आई एफ के लिए फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर पी डी एक्स। आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर पी की जगह कितना जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। आई एफ इक्वल टू जाएगा ई टू दी पावर माइनस लॉग एक्स। अब माइनस लॉग एक्स है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि माइनस का साइन है अगर बीच में ई और लॉग के बीच में तो हम इसको डायरेक्टली लॉग नहीं हटा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा माइनस का साइन ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो इसको वी कैन राइट ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर माइनस वन। अब इस पूरे को हटा देते हैं, यहां पर बचेगा केवल एक्स टू द पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स। फाइनली हम लोग लिखेंगे वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई क्यू। क्यू की जगह यहां पे क्या आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है सामने जिसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर माइनस टू। मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो मुझे इसमें क्या लगाना पड़ेगा बाय पार्ट्स। बिना बाय पार्ट्स लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन का आपके अधिकतर स्टूडेंट अटक जाते हैं और इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते क्योंकि वो एकदम से क्लिक नहीं होता उनको कि यहाँ पे करेगा। यहाँ पे आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, उसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मैं इस पर बाय पार्ट्स लगाता हूँ और इधर का ये क्रम मिटा देता हूँ तो आप लोग देख पाएंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आगे वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन हम लोग एज इट इज रखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू पावर माइनस टू का माइनस डीवाई डी एक्स करेंगे लॉग एक्स का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे एक्स टू पावर माइनस टू का डी एक्स। अब वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स और यहां पे प्लस वन होगा तो यहां पे जाएगा एक्स की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन। प्लस का साइन में लगा देता हूं क्योंकि माइनस वन यहां से भी जनरेट होगा, जितना माइनस वन जनरेट हो रहा है वैसे यहां माइनस वन जनरेट होगा वो माइनस का साइन इसको मिल जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। लॉग एक्स कौन जाएगा वन अपॉन एक्स इंटू यहां पर आ गया एक्स पावर माइनस वन और इसके अकाउंट में जो माइनस वन जनरेट हुआ था वो अपन ने यहां पर दे दिया था, यहां पर केवल वन बचा। अब इसको और आगे सॉल्व करें हम लोग वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर माइनस टू। वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब इस एक्स को हम लोग उधर ले जाते हैं प्लस सी भी आ जाएगा साथ में तो उस कंडीशन में हो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी एक्स। ये मेरा फाइनल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन था काफी इजी लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर हमें ट्रिक लगाना पड़ती है, हमें याद होना चाहिए कि अगर इस टाइप की सिचुएशन आ जाएगी तो हमको लोग क्या करेंगे। इस स्टेप पर आपके अधिकतर स्टूडेंट अटक जाते हैं, उनको याद ही नहीं आता कि हम लोग यहाँ पे बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन अब मेरे सामने है ये आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको अच्छे से आना भी चाहिए। अगेन डीवाई बाई डी एक्स का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है इसलिए इसको हम लोग सभी को मतलब इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स प्लस टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब p इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन और q हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये सिचुएशन हमारे सामने है तो अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे आई एफ और ये हो जाएगा e टू द पावर पी डी एक्स। यहां आ जाएगा आई एफ इक्वल टू e टू द पावर पी डी एक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां हम लिखेंगे टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर माइनस वन को रखना होगा टी, देन वी गेट टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहां का आई एफ जो है वो क्या निकलेगा e टू द पावर डी टी अपॉन टी, मतलब यहां आ जाएगा e टू द पावर लॉग टी
और लॉग टी मतलब e की पावर में लॉग टी है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, e की पावर में लॉग को हटा सकते हो, सीधे हम लोग क्या लिखेंगे टी, और टी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो मतलब मुझे जो आई एफ मिलने वाला था वो मिला एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब इसी आई एफ को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे वाई के साथ, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जो क्यू है क्यू हमें दिया हुआ है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर थे ये टर्म कैंसिल, वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू यहां पे आ जाएगा कितना वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू ये हो जाएगा कितना। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस सी, वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन टू लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिखने का थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है, या ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इस क्वेश्चन में किस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन है। करते हैं हम इसको डिवाइड बाय डीएक्स, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, ई की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स और माइनस वन अपॉन रूट एक्स इंटू वाई, ये वाली जो टर्म इसको इस साइड ले आते हैं डिवाइड बाय डीएक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। अब इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि p इक्वल टू है हमारे पास वन अपॉन रूट एक्स और q जो है वो है e टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। अब यहां पर अगर हम लोग आई एफ निकाले तो आई एफ जो होगा वो हो जाएगा e टू द पावर p dx, e टू द पावर p, p की जगह हम लोग लिखेंगे वन अपॉन रूट एक्स dx, और वन अपॉन रूट एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया जाए तो x की पावर माइनस वन बाय टू हो जाता है ऊपर जाके, तो ऊपर हो जाएगा कितना प्लस वन करेंगे तो वन बाय टू मतलब टू रूट एक्स हो जाएगा, तो e की पावर में यहां पर आ जाएगा टू रूट एक्स। तो ये मेरा आई एफ आ गया है। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है वाई के साथ, तो देखिए वाई मल्टीप्लाई ई टू दी पावर टू रूट एक्स इक्वल टू यहां आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर टू रूट एक्स मल्टीप्लाई ई टू दी पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, ये आई एफ और इंटू क्यू। अब ये दोनों टर्म तो क्या हो जाएगी कैंसल हो जाएगी, मतलब वन जाएगा, यहां आ जाएगा वाई इंटू ई टू दी पावर टू रूट एक्स इक्वल टू इसका आ जाएगा टू रूट एक्स प्लस सी, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखने के लिए क्वेश्चन काफी अजीब सा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत टिपिकल होगा, लेकिन देखा जाए तो क्वेश्चन काफी इजी था, पर दिखने का थोड़ा टिपिकल जरूर है लेकिन इजीली किया जा सकता है। तो अब अपन देखते हैं ऐसे ही और कुछ नए क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़े से और अपग्रेडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंट जो सी हम बार बार लिख रहे थे हर क्वेश्चन के आंसर में, यहाँ पे हमें उस सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, या मैं यूं कहूँ कि हमें यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो करने का मेथड तो सेम ही है, यहाँ पे हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो अभी हम लोग लगा रहे थे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग उसी प्रकार से करते हैं, पी इक्वल टू यहाँ जाएगा कॉटेक्स और q हो जाएगा 4x cos x, इसके बाद हम लोग निकालेंगे आई एफ, फिर हो जाएगा e टू दी पावर p dx आई एफ e टू दी पावर p dx, p की जगह आ जाएगा cotx dx, cotx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, तो मैं यहां लिख सकता हूं log sin x। अब e की पावर में log डायरेक्टली गिवन है तो मैं इसको स्किप करके सीधे sin x लिख देता हूं, क्योंकि हम लोग अभी तक यही करते हुए आ रहे हैं, तो sin x क्या हो गया मेरा आई एफ। अब इसके बाद मुझे लिखना है y मल्टीप्लाई sin x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x मल्टीप्लाई यहां पर आ जाएगा 4x cos x,
कॉसेक एक्स जो है वो साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा, और जब कॉसेक एक्स साइन एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे केवल फोर एक्स बचेगा। वाई मल्टीप्लाई साइन एक्स जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। फोर एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी लिखा, यहाँ पे टू से टू हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब मुझे c की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने x और y की वैल्यू दी हुई है, तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो y की जगह तो मैंने रखा जीरो साइन पाई बाय टू, वैसे भी साइन पाई बाय टू वन होता है लेकिन जीरो होने के कारण ये पूरी वैल्यू जीरो जाएगी, और टू इंटू एक्स की जगह जाएगा पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस सी, ये हो जाएगा टू, यहाँ हो जाएगा जीरो पाई स्क्वायर बाय टू प्लस सी, तो c की वैल्यू जाएगी माइनस पाई स्क्वायर बाय टू, और इस वैल्यू को उठा के हम लोग रखेंगे यहां पर, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा, और आंसर हो जाएगा हमारा वाई को वाई इंटू साइन एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय टू। ये फाइनल मेरा क्या होगा सॉल्यूशन होगा उस क्वेश्चन का जिसमें मुझे x और y की वैल्यू गिवन थी। इसमें का हम लोग देखते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी मुझे क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू भी गिवन है और वाई की वैल्यू भी गिवन है। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें सी एक कॉन्स्टेंट जनरेट होगा, और उस कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा एक्स और वाई की वैल्यू को रखना होगा। तो इसको सॉल्व करते जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे थे, यहाँ पे डिवाइड एक्स और टू वाई टेन एक्स है, तो पी जो है वो जाएगा टू टेन एक्स, और जो क्यू है वो जाएगा साइन एक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालते हैं आई एफ अगेन ई टू दी पावर पी डी एक्स, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर पी, पी की जगह हम लोग लिखेंगे टू टेन एक्स डी एक्स, आई एफ इक्वल टू ई टू दी पावर टू टेन एक्स। टू टेन एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है लॉग ऑफ सेक एक्स। अब यहां पर सेक एक्स है अगर मेरे पास, तो टू को हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स, और ई की पावर में लॉग अगर डायरेक्ट है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं, और यहां पर आ जाएगा सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स। तो मुझे मिला सेक स्क्वायर एक्स, अब मैं यहां पे लिख सकता हूं वाई मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इसके लिए हमें सॉल्व करना है, तो वी कैन राइट वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू एक कॉस, मतलब सेक स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं कॉस वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक कॉस उसको क्या बना देगा टेन एक्स, यहां पे एक साइन और एक कॉस मिलकर हो जाएंगे टेन एक्स, और एक जो कॉस है वो हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स। वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स फॉर्मूला होता है सेक एक्स का, सो वी कैन राइट सेक एक्स प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू निकालना है तो मुझे यहां पे क्या करना होगा y और x की वैल्यू को पुट करना होगा, और अगर हम लोग y और x की वैल्यू को पुट करते हैं यहां पर तो देखिए क्या होगा, y की जगह आ जाएगा जीरो, ये पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, sec x की जगह हमने रखा पाई बाय थ्री, तो sec पाई बाय थ्री जो होता है वो cos पाई बाय थ्री होता है वन बाय टू, तो sec पाई बाय थ्री कितना हो जाएगा टू हो जाएगा केवल टू प्लस सी, तो सी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी माइनस टू। अब इस माइनस टू को उठाकर हम लोग रखेंगे इस फॉर्मूले में जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक एक्स माइनस टू, ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा क्योंकि यहां पर हमने सी की वैल्यू को भी निकाल लिया है। अब यहां पर आपका ये चैप्टर ये एक्सरसाइज फिनिश होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो चुका है, और डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म होने के साथ साथ आपका कैलकुलस वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। अब आपको हम लोग जो भी स्टार्ट करेंगे वो नया चैप्टर जो भी होगा
वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में से पता चल जाएगा, लेकिन आज तक अभी हमने जितना पढ़ा है उसके लिए आप प्रैक्टिस करिए। प्रॉब्लम आती है आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए हमें इतना ही रखते हैं, थैंक यू।